नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबके शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। आप सभी को ये बताते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि दिल्ली के शिक्षा विभाग ने शुरुआत करी है एक नए प्रकार के स्कूलों की, जिनका नाम है दिल्ली स्पोर्ट्स स्कूल। और इन स्कूलों से संबंधित जानकारी पूरे देश में सबसे पहले सबकी शिक्षा के माध्यम से मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपके लिए लाई थी। अब डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन ने इस संबंध में नोटिफिकेशन भी जारी कर दी है। और आप सभी को बताना चाहूँगी कि यह स्पोर्ट्स स्कूल हैं, दिल्ली स्पोर्ट्स स्कूल, यानी कि स्कूलों का जो मेन फोकस होगा बच्चों को खेलों में बेहतर करने पर होगा। जी हाँ, 10 प्रकार के खेल होंगे जिसकी बच्चों को ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि बच्चे आगे जाकर ओलंपिक्स में जीत सके, अलग अलग तरह के इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन पर हिस्सा ले और जीत सके। ये कम्प्लीटली रेजिडेंशियल स्कूल्स होंगे, बच्चे यहीं पढ़ाई करेंगे, यहीं खेलों का अभ्यास करेंगे और यहीं रहेंगे। लड़के और लड़कियों दोनों को इन स्कूलों में पढ़ने का मौका मिलेगा और लड़कों का हॉस्टल और लड़कियों का हॉस्टल अलग अलग होगा। 6ठी से 12वीं तक के बच्चे इन स्कूलों में पढ़ पाएंगे। और आप सभी को बताना चाहूँगी कि दिल्ली का शिक्षा विभाग पहली बार इस प्रकार के स्कूलों की शुरुआत करने जा रहा है। और इन स्कूलों में दाखिला लेने के लिए ऐसा नहीं है कि केवल दिल्ली के बच्चे ही अप्लाई कर सकते हैं। आप देश के किसी भी राज्य में रहते हैं, आप इन स्कूलों में दाखिले के लिए अगर आप स्टूडेंट अगर अप्लाई कर सकते हैं, और अगर पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप अपने बच्चों के लिए फॉर्म भर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको शुरुआत में भरना होगा ऑनलाइन फॉर्म। तो क्या लिखा है इस नोटिफिकेशन में जो आज ही डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन ने जारी करी है, मैं जल्द से आपको बताती हूँ। और उम्मीद करूँगी कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करेंगे ताकि वह सभी बच्चे जो खेलों में रुचि रखते हैं, जो खेलों में अच्छे हैं, वो इन स्कूलों का लाभ उठा सके और आगे चलकर खेलों की दुनिया में, खेल जगत में अपना नाम भी रोशन करें और देश को भी आगे बढ़ाए। तो जल्दी से मैं आपको बताती हूँ क्या लिखा है नोटिफिकेशन में। नोटिफिकेशन में लिखा है कि ऐसे स्कूलों की शुरुआत हो रही है जो कि कम्प्लीटली रेजिडेंशियल है। रेजिडेंशियल मतलब कि बच्चे वहीं रहेंगे और इनमें जो दाखिला होगा वह ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के माध्यम से होगा और टैलेंटेड स्पोर्ट्स स्टूडेंट्स को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। जी हाँ, एडमिशन में जो एडमिशन होंगे यह मैनेज किया जाएगा, जो एडमिशन प्रक्रिया पूरी दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के तहत होगी। और यह जो स्कूल है, ये दिल्ली स्पोर्ट्स स्कूल्स हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 22 जून से शुरू हो गए हैं और 5 जुलाई तक इन स्कूलों में दाखिले के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरे जा सकते हैं। तो ऑनलाइन जो ऑनलाइन लिंक है वो लिखा हुआ है dsu.ac.in/registration/http://dsu.ac.in/registration/। आप देख सकते हैं सामने लिखा हुआ है। और जो स्कूल का किस सिद्धांत पर चलेगा कि खेल ही पढ़ाई है, सिद्धांत पर चलेगा। और बच्चों की जो इवैल्यूएशन होगी, यानी कि बच्चों को जो आंका जाएगा वह खेलों के आधार पर होगा। 6ठी से 12वीं तक के बच्चे को पढ़ाया जाएगा इन स्कूलों में, लेकिन क्योंकि शुरुआत है तो शुरुआत में पहले साल में 6ठी कक्षा के बच्चों को दाखिला मिल रहा है और 9वीं कक्षा के बच्चों को दाखिला मिल रहा है। 10 प्रकार के खेल हैं: आर्चरी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बॉक्सिंग, स्विमिंग, शूटिंग, टेबल टेनिस, लॉन टेनिस, वेट लिफ्टिंग और रेसलिंग। और शुरुआत में बच्चों के खेलों संबंधित कुछ टैलेंट्स काउंटिंग होगी, उसके बाद उनके जो स्पोर्ट्स स्किल ओरिएंटेड टेस्ट होंगे और उसके बाद इन्हें फ्री स्पोर्ट्स कोचिंग भी दी जाएगी, एकेडमिक टीचिंग भी दी जाएगी रेजिडेंशियल स्कूल्स में। और जो इन्हें सिखाने वाले कोच होंगे वो बहुत ही वेल ट्रेंड होंगे, क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा इन्हें सिखाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। और इन स्कूलों में दाखिला लेने के लिए क्या बच्चों में कम से कम योग्यता होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए और किस प्रकार के एडमिशन प्रोसेस को फॉलो किया जाएगा, उसकी जानकारी भी इस नोटिफिकेशन में दी गई है। और बच्चों का जो इवैल्यूएशन किया जाएगा, यानी बच्चों का जो समय समय पर हम कहते हैं कि बच्चों के काम को कैसे देखा जाएगा, तो बच्चों को जो अंक मिलेंगे, बच्चों को जो परफॉर्मेंस होगी वो स्पोर्ट संबंधित होगी। और फीडर कैडर के लिए भी इन कंसिडर किया जाएगा इन बच्चों को दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन द चोजन स्पोर्ट। और आप ज़्यादा डिटेल्स के लिए registration@dsu.ac.in पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, यह मेल आईडी है, ध्यान से देखिए registrations@dsu.ac.in। और मैं आप जल्दी से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको बता देती हूँ कि यह जो फर्स्ट को एजुकेशन डेडिकेटेड स्कूल्स हैं, यह सेपरेट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, रेजिडेंशियल फैसिलिटीज़ देंगे लड़कों को और लड़कियों को।
और 10 तरह के खेल जो मैं आपको बता चुकी हूँ, आर्चरी, शूटिंग, एथलेटिक्स, स्विमिंग, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, बॉक्सिंग, वेट लिफ्टिंग, लॉन टेनिस एंड रेसलिंग होगा। और जो मेजर फोकस होगा वो स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस पे होगा। और साथ ही साथ पढ़ाई जो होगी, एकेडमिक करिकुलम तो करवाया ही जाएगा। साथ ही यह फीडर इंस्टीट्यूट होंगे, मतलब कि अगर जिन बच्चों के अच्छे परफॉर्मेंस यहाँ पे हुई, वो आगे दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में भी उन बच्चों को दाखिला मिलेगा। और उन बच्चों को आगे बढ़ने के लिए भी बहुत ही सपोर्ट किया जाएगा। और जो बच्चों को पढ़ाया जाएगा वो हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों भाषाओं में पढ़ाया जाएगा। छठी और सातवीं कक्षा में दाखिले लेने के लिए बच्चे की उम्र 11 से 13 साल के बीच में होनी चाहिए। छठी में कक्षा में दाखिले लेने के लिए 11 से 13 और सातवीं में 12 से 14। और स्टूडेंट्स को उन्होंने पिछली क्लास जो है उनकी करी हुई हो, मतलब जो उन्होंने करी, जिसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, उससे पिछली क्लास उन्होंने करी होनी चाहिए। और वो डॉक्यूमेंट्स आर रेलिवेंट डॉक्यूमेंट पार्टिसिपेशन के, अचीवमेंट के, जो खेलों संबंधित हैं, और जो बाकी डॉक्यूमेंट्स हैं वो दे सकें। आठवीं कक्षा में दाखिला लेने के लिए 13 से 15, नौवीं में 14 से 16। और एडमिशन प्रोसेस भी लिखा हुआ है कि छठी सातवीं में कैसे होगा, आठवीं नौवीं में कैसे होगा, इस प्रकार से दाखिला प्रक्रिया भी लिखा हुआ है। लेकिन फिलहाल के लिए अगर आपको चाहिए कोई भी जानकारी तो registrations@dsu.ac.in पर आप मेल कर सकते हैं। और ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए http://dsu.ac.in/registration/ पर आप जाकर इस लिंक को क्लिक कर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। बहुत ही सुनहरा मौका है, इसे हाथ से मत जाने दीजिए। और मैं हमेशा बताऊंगी कि शुरुआती सालों में जब भी इस प्रकार के नए स्कूल खुलते हैं तो शुरुआती सालों में दाखिला आगे आने वाले सालों के मुकाबले थोड़ी सी आसानी से होता है, क्योंकि स्कूल भी नए बार चलाए जा रहे हैं, सब चीज़ें नई नई बार हैं, तो ऐसे में मौके ज़्यादा अच्छे तरीके से मिलते हैं। जैसे जैसे स्कूल थोड़ा पुराना होता चला जाएगा, स्कूल में दाखिला की प्रक्रिया और जटिल और कठिन होती चली जाएगी। तो आप ज़रूर अप्लाई करें अपने बच्चों के लिए। अगर स्टूडेंट्स वीडियो देख रहे हैं तो आप अपने लिए अप्लाई कर सकते हैं, अपने जान पहचान के लोगों को कह सकते हैं कि वह इन स्कूलों में दाखिला लेने के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि यह जो स्कूल की शुरुआत की गई है दिल्ली के शिक्षा विभाग के द्वारा, इनकी जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।